Subscribe now and press the bell icon. दोस्तों नमस्कार, आज का जो हमारा वीडियो होगा पूरा एनिमेटेड होगा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को पूरा देखें। वैसे तो ये जो आज का डिजाइन है हमारा, यहाँ पे देख रहे 40x60 फीट का, मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये डिजाइन पहले एनिमेटेड नहीं था, अब की बार मैंने वॉक थ्रू और एनिमेटेड बनाया इसको। प्लीज वीडियो को पूरा देखें और इसका मजा लें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारा 40x60 फीट का डिजाइन है। एक जो साथ में आप डिजाइन देख रहे हो, मैंने पिछले वीडियो में इसका ट्यूटोरियल डाला, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं आज जो ये व्हाइट और ब्लू कलर का डिजाइन दिख रहा है 40x60 का, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रंट में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए हमारा जो प्लान है वो 3 फीट जो हाइट है जमीन से इसके ऊपर, यहाँ पे रैंप के ऊपर से चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए सामने कार पार्किंग है, काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ी। अगर आपके पास गाड़ी है नॉर्मल लग्जरी जैसे भी, वो कार पार्क कर सकते हैं वहाँ पे। साथ में यहाँ से फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक लिविंग रूम है, यहाँ पे आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। 14x16 फीट का आप साइज रख सकते हैं इसका, अगर रखना चाहे तो। नॉर्मली ये मैंने यहाँ पे 14x16 का रखा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए ये जो हमारा ये रूम है इसके साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। ये जो वेस्टर्न कपबोर्ड है, इसके अंदर जो भी आपका गेस्ट आएगा उसको अंदर दूसरी साइड जाने की कहीं जरूरत नहीं होगी, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ में जो कंबाइन है टॉयलेट बाथरूम, तो यहाँ पे आपको जो है बाथरूम की भी सुविधा मिल जाएगी और टॉयलेट की भी। तो ये देख लें यहाँ पे, और बाहर फिर चलते हैं उसी रूम के अंदर से। मैं आपको अंदर जो हमारा मेन अंदर का सिस्टम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अंदर हमने क्या क्या प्लान किया है, क्या क्या डिजाइन बनाया है। तो चलिए अंदर ले चलता हूँ मैं आपको गाड़ी के साथ से यहाँ से। और ये है हमारा जो मेन डोर, मेन एंट्री डोर, और मेन एंट्री डोर के बाद तुरंत बाद यहाँ पे हॉल है हमारा। हॉल के अंदर 2 रूम के दरवाजे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल, खाना पीना आपका यहाँ हो जाएगा, काफी बड़ा डाइनिंग है। और साथ में इसी हॉल में हमने सीढ़ियां रखी है ऊपर जाने के लिए, ओपन स्टाइल की जो सीढ़ियां है घुमावदार। और यहीं पे हमारी जो किचन है, साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया स्पेस देखिए यहाँ पे हमने जो है किचन डिजाइन किया है। आप किचन इसी तरह का कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टाइलिश बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन जो यहाँ पे जो आपका वॉश बेसिन रहेगा, यहाँ पे मैं बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा बेडरूम है ये देख लें। ये हमारा जो पीछे का बेडरूम रहेगा, 2 बेडरूम है हमारे पीछे, और दोनों के साथ जो टॉयलेट बाथरूम है अटैच है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं कंबाइन। तो यहाँ पे ये इसके साथ अटैच है रूम के साथ, तो आप रूम के अंदर से ही इसको यूज कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। और जो सेकेंड रूम भी होगा हमारा वो भी इसी टाइप का होगा, चलिए मैं वहां से भी दिखाऊंगा उसको आपको। और ये चलिए बाहर चलते हैं इसी रूम से होके और बाहर की तरफ। और ये है हमारा जो देखिए अलमीरा वगैरह आप रखना चाहे इस टाइप से रख सकते हैं यहाँ पे। तो बाहर किचन की तरफ से हमारा रास्ता होगा साइड में, ये काफी बड़ा हॉल है आप यहाँ आपको मिल जाएगा। और ये हमारा जो दूसरा बेडरूम है देखिए यहाँ से, इसके अंदर भी सेम ही हमने जो डिजाइन रखा है, साइज भी सेम है, और जो डिजाइन है इसका टॉयलेट बाथरूम सेम ही रखा है दोनों का, तो ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बाहर चलते हैं, बाहर का पोर्शन है यहाँ पे हमने देखिए, जैसे हम बाहर जाएंगे यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट रखा है, ओनली टॉयलेट है। ये जो दरवाजा देख रहे हैं यहाँ पे छोटा दरवाजा, ये कॉमन टॉयलेट है, बाहर का व्यक्ति अगर यूज करना चाहे तो वो साइड से आके यूज कर सकता है। इस साइड से पूरा पूरा ओपन एरिया है यहाँ पे, जैसे हमारी जो कार पार्किंग एरिया था यहाँ पे, ये एरिया दिखाने के लिए मैं यहाँ से लेके आऊँ। चलिए फिर से अंदर चलते हैं और सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ग्लास पैनल जो है आपका खिड़की की तरफ जाएगा, और ये ऊपर जाते हैं हम यहाँ से, ये हमारी सीढ़ियां हैं मार्बल की सीढ़ियां, जैसे चाहे आप वैसे बनवा सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो पहला आप दरवाजा देख रहे हैं वो पीछे की तरफ ओपन हमने रखा है, एक जो पीछे का पोर्शन था जो नीचे रूम था एक, उसके ऊपर बिल्कुल खुला रखा है। और सेकेंड हमारा यहाँ पे एक बेडरूम होगा, देखिए इसके अंदर टॉयलेट बाथरूम की आपको सुविधा मिल जाएगी। हर जगह आपको इसमें जो पूरी बिल्डिंग है हर रूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम, यहाँ पे आपको टेरेस मिल जाएगा छोटा सा, ये बालकनी देखिए, सॉरी। तो
तो ये बालकनी थी हमारी, और यहाँ से हम फिर चलते हैं। ये हमारा एक यहाँ से जो रूम देख रही है, ये है एक हमारा स्टडी रूम हो जाएगा। अगर आपके बच्चे हैं वो यहाँ पे इसको स्टडी रूम की तरह इसको यूज कर पाएंगे। और पीछे यहाँ पे पूरा का पूरा टेरेस है, और साथ में यहाँ पे देखिए ये एक हमारा बेडरूम फिर है यहाँ से, और इसके साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम है, साथ में वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां। काफी अच्छा जो हमारा डिजाइन है आज का ये बना है, देख ले यहाँ से खिड़की जो फ्रंट में भी जो इसकी खिड़की है, और जो डोर है हमारा मेन डोर यहाँ पे इसके साथ में भी खिड़की है वो आपको मिल जाएगी। और चलिए बाहर देख लेते हैं, यहाँ पे टेरेस पे आप पेड़ पौधे जैसे भी रखना चाहें काफी अच्छे रख सकते हैं, और धूप का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको सुटेबल लगे वो चेयर वगैरह आप रख सकते हैं यहाँ से। चलिए देखिए मैं फिर से आपको इस जो बिल्डिंग है इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ से रोटेट करके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर उसमें कुछ खामियां लगे तो हमें जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में हम वो कमियां दूर कर सकें और आपको एक अच्छा वीडियो दे सकें। और आखिर में यही कहना चाहूंगा, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।